पाव भाजी बना रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अमूल बटर के साथ में। अमूल बटर के साथ में? हाँ जी। वेरी गुड। तो ये पाव भाजी बनना शुरू हो गई है जी, और ये तड़का बनना शुरू हो गया उसके लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? नत्थू सिंह। नत्थू सिंह? हाँ। ओके, तो नत्थू सिंह जी बना रहे हैं जी अभी पाव भाजी, और यहाँ की मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। तो नत्थू सिंह जी ये क्या डाला अभी? ये नमक मिर्च मसाला और पाव भाजी मसाला। ओके, ये रहा ये बॉम्बे का स्पेशल पाव भाजी मसाला। बॉम्बे का स्पेशल? हाँ जी, बॉम्बे से आता है ये मसाला। अरे ये सारा बॉम्बे से ही आएगा? हाँ जी। अच्छा, अब लगेगा अपना ये अदरक लहसुन का तड़का। ये अदरक लहसुन? हाँ जी। अमूल बटर डाल के प्याज के साथ में अमूल बटर में प्याज और लहसुन का तड़का लगा के पाव भाजी मसाला। ओके, बॉम्बे से आता है ये स्पेशल अपना। ओके, और नत्थू सिंह जी आप कहाँ से वैसे? हम सर राजस्थान से। अच्छा, यहाँ पे कितने साल हो गए हैं? यहाँ पे सर अपने को 20-22 साल हो गया। अच्छा, 20-22 साल से जलंधर में ही हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये मतलब भाजी के लिए? हाँ, ये भाजी इसमें सारा हमने मटेरियल मिक्स किया हुआ पहले है। से मिक्स है? हाँ जी। इसमें है टमाटर, आलू, मटर, गोभी, धनिया, पालक, प्याज। अच्छा, और हरा मटर और ये हरा धनिया के साथ में अमूल बटर डाल के ऊपर से। और खुशबू बढ़िया आनी शुरू हो गई है जी। अभी हम इसको बटर अभी ज़्यादा मिक्स किया नहीं है, अभी इसको मिक्स करेंगे हम। ओके, ये मशीन के साथ में सारा अच्छी तरह से मैश हो जाता है। अच्छा, तो 20-22 साल से मतलब यही काम कर रहे हो? हाँ जी, 20-22 साल से। 20-22 साल बहुत होते हैं दोस्तों, इतने में बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्चुअली 20-22 साल से अपना एक शॉप है मॉलटाउन में। अच्छा, एक मॉलटाउन में था? अभी भी है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ब्रांच है? ब्रांच है। हाँ, एक मॉलटाउन में AMPM के बिल्कुल सामने। AMPM के सामने? यहाँ पे क्या क्या टाइम होते हैं आपके? यहाँ पे टाइमिंग अपना 3 बजे से 3 बजे से रात को 11 बजे तक। अच्छा, 11 बजे तक चलता है? हाँ जी। और क्या क्या आइटम होती है अपने पास? और रहता है अपना पास पाव भाजी और वेज बिरयानी। पाव भाजी और वेज बिरयानी, दो आइटम है। और हाँ, और बढ़िया क्या बिकता है ज़्यादा? क्या ये पाव भाजी अपना यहाँ पे फेमस? ज़्यादा फेमस है तो पाव भाजी। और बटर सिर्फ अमूल का यूज़ करना? अमूल का, अमूल ओनली, अमूल बटर अमूल का यूज़ करना है। ये देखो, प्लेट जो रेडी होगी वो भी दिखा देना एक बार। हाँ जी। अभी ये प्याज डालेंगे इसके साथ में। जी, प्याज वगैरह डाल के हरी चटनी। अच्छा, ऊपर से अमूल बटर डाल के। अच्छा अच्छा, ये हरा धनिया डाल के एक बार दिखा देना कैसे दिख रही है। हाँ जी, ये लो ये। अच्छा, क्या बात है। अमूल बटर में बढ़िया फ्रेश पाव को नरम करके भाजी और बटर लगा के। वेरी गुड। प्याज चटनी और अपना मक्खन डाल के ऊपर से अमूल बटर, और ये तैयार हो गई अपनी पाव भाजी। क्या बात है। हेलो जी मैम, पाव भाजी आपकी? पाव यहाँ पे गरम कर? पाव इधर ये गरम होता है। ये जैसे एक्स्ट्रा पाव चाहिए वो भी ले सकता है बंदा? वो भी ले सकता है। ये बर्गर बन रहा है, सैलिड बर्गर। ये बर्गर है? हाँ जी, अपना ये स्वीट कॉर्न सलाद बर्गर। ओके ओके, इसमें तंदूरी और अमूल मटर के साथ में बनता है बर्गर अपना। तो ये कितने का देते हो? ये 40 रुपीज़ का बर्गर। 40 रुपीज़ का? और पाव भाजी 70 रुपीज़। ये 70 रुपीज़ की? हाँ जी। अच्छा, और ये अपना जिसको जैसे एक्स्ट्रा पाव चाहिए किसी को तो नूडल्स ही एक्स्ट्रा बनती है? हाँ, नूडल सैलेड डाल के थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नूडल भी। ये बर्गर के बीच में डलेगा? बर्गर के बीच में भी। अच्छा, पहले टिक्की अमूल बटर के साथ में फ्राई करेंगे पाव को। अच्छा, नूडल्स डलने के बाद पहले टिक्की डाली? हाँ जी, उसके बाद सैलेड डाला। अच्छा, उसके बाद जैसे तंदूरी क्रीम डाला। अच्छा, ये अपनी हो गई टमाटो सॉस हो गई। ओके, उससे पहले क्रीम डाल लो ना। ये अपनी हो गई मेयोनीज हो गई। ओके, तंदूरी क्रीम डालो। एक ये हो गई अपनी तंदूरी क्रीम हो गई। ठीक है, और ये अपना बर्गर हो गया तैयार। जो सैलेड डाला उसी सैलेड में स्वीट कॉर्न सलाद ये इसमें सारा कुछ मिक्स होता है। ये मिक्स करके? ठीक है, ये डलता है इसमें सारा मटेरियल? ये मटेरियल होता है स्वीट कॉर्न, ये अपना खीरा, टमाटर, गोभी, पनीर और ये सारा चीज मिक्स हो करके फिर बर्गर के अंदर डलता है। ये ओनली मात्र 40 रुपये का? ये 40 रुपये का है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी देखने में, तो टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसे बना रहे हैं नत्थू सिंह जी। ये बहुत बढ़िया आ रही है।
ये तो अब कस्टमर ही बताएंगे आपको कि कैसे कस्टमर से पूछेंगे। बिल्कुल मैडम कितना लग रहा है जी? हाँ जी बहुत बढ़िया टेस्ट वधिया हैगा। हाँ जी पाव भाजी तुसी लवाई है ना, स्वाद लगदा थोनू पूरा, मतलब जे नंबर देने हो 10 विचो तां। हाँ जी हाँ जी 9 तां हैगा ही है जी, 9 नंबर हैगा। हाँ जी हाँ, क्या बात है जी, तो बहुत बढ़िया जी। नत्थू सिंह जी कह रहे हैं कि इनकी वेज बिरयानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकती है, तो देखते हैं कि वेज बिरयानी की क्या रिपोर्ट है और किस टाइप से बनाते हैं ये। क्या क्या डलता है इसमें? पहले क्या डाल रहे हो अभी? तो ये हम शिमला मिर्च, तो पहले शिमला मिर्च डलेगी। शिमला मिर्च डालिए। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक शिमला मिर्च डाल दिए। ये कितने की प्लेट देते हो वेज बिरयानी की? वेज बिरयानी 120 रुपए की प्लेट से है। ओके, और जिसकी हाफ प्लेट भी आपको अवेलेबल है वो 70 रुपीस की। अच्छा, इसमें हो गया शिमला मिर्च, हो गई ये गाजर, हो गया गोभी, हो गई अब डालेंगे देखो ये फ्रेश चीजें सारी, अपने टमाटर, ये डल रहा आलू, आलू। ओके, उसमें डालेंगे हम हरे मटर, हरे मटर। और ये डला भी, ये इसका मसाला पानी होता है, उसके बाद में थोड़ा सा पकने के बाद में हम बनेंगे, जब आप डालेंगे अमूल बटर। अच्छा, ओनली फॉर अमूल बटर, बटर सिर्फ अमूल का ही यूज होएगा, अमूल का ही बटर। आपकी ये जगह भी बता दो, एड्रेस क्या पड़ता है? ये एड्रेस पड़ता है सर प्लाजा चौक केपी बेकरी के बिल्कुल साथ, प्लाजा चौक केपी बेकरी के बिल्कुल साथ जलंधर में, त्रिमूर्ति पाव भाजी, त्रिमूर्ति पाव भाजी के नाम से, त्रिमूर्ति पाव भाजी। और ये मतलब मैं बता दूं आपको प्लाजा चौक कहाँ पे है, जब ज्योति चौक से कंपनी बाग चौक की तरफ आते हो तो बिल्कुल समझ लो मिड में है ये प्लाजा चौक, प्लाजा चौक। और अब भाई आनी शुरू हो गई है खुशबू इसकी, बहुत बढ़िया। ये भी अभी हम तो बल्कि में लहसुन अदरक का तड़का लगेगा इसमें। हाँ जी एक पाव जो दोस्तों खुशबू इतनी जबरदस्त आनी शुरू हो गई है ना, जैसे जैसे पक रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे वेज बिरयानी का जो खुशबू इतनी बढ़िया लग रही है, तो खाने में भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया होएगी। अब डालेंगे हम इसको बासमती चावल, ये बासमती चावल यूज हो रहे हैं आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया, अभी हम इसको डालेंगे हरा धनिया। अच्छा वेरी गुड, और ये पाव भाजी वाली ग्रेवी भी इसमें पड़ती है। अच्छा वो भी डलती है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, मिक्स करके ग्रेवी डाल के उसके बाद में डालेंगे हम इसमें स्पाइसी पूरी है, मतलब है स्पाइसी, नींबू डाल के, नींबू डाल के पूरा खट्टी भी होएगी, मतलब अच्छी है खट्टी क्रिस्पी। क्या बात है जी, क्या बात है जी, ये लग रहा है जी अब पता चल रहा है कि इतनी जबरदस्त चीज़ बन रही है ये। ये अपना वैसे वेज पुलाव भी बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं कस्टमर, और पुलाव ही लग रहा है बिल्कुल, वेज पुलाव कहो, वेज बिरयानी कहो, मक्खन बिरयानी कहो। दोस्तों देख रहे हो कितना जबरदस्त लग रहा है जी, तो स्ट्रीट फूड भी आपको जबरदस्त मिलता है
अगर आप जलंधर में आते हो तो। और नत्थू सिंह जी पूरा बढ़िया तरीके से बनाते हुए इसको, जैसे तो ये मतलब एक प्लेट बनी है या? हाँ जी, एक प्लेट, ये एक प्लेट बनी है। हाँ तो दोस्तों क्वांटिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, तो ये लग रही है जी प्लेट इसकी। अब और एक चीज़ और, ये अपनी प्लेट भी हम वो थर्माकोल की प्लेट वो नहीं यूज करते हैं, वो डॉक्टर बताते हैं सही नहीं होती है, तो हम ये प्लेट बहुत बढ़िया वाली जो अप्रूव्ड प्लेट है वो प्लेट यूज़ करते हैं। अच्छा, फूड ग्रेड वाली प्लेट यूज़ करते हो, ये भी बहुत बढ़िया है जी। इसमें प्लास्टिक की प्लेट नहीं यूज़ करते, कहते हैं कि डॉक्टर मना करते हैं। ये लग रही है प्लेट इसकी, तो फुल प्लेट में देख लो आपकी बहुत बढ़िया क्वांटिटी है इसमें, तो मतलब पैसे वसूल वाली पूरी क्वांटिटी है, जबरदस्त। इसको डालेंगे हम प्याज। अच्छा, उसके ऊपर भी अभी। अच्छा, ओहो, डालेंगे बढ़िया लग रही है चटनी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। चटनी डालेंगे और फिर डालेंगे हरा धनिया। जबरदस्त जबरदस्त दोस्तों, देख रहे हो कितनी जबरदस्त लग रही है ये आपकी, बहुत बढ़िया। प्लेट रेडी, ये हो गई। क्या बात है जी, क्या बात है। वेज बिरयानी, वेज पुलाव, क्या बात है। तो दोस्तों देख लो कितनी जबरदस्त लग रही है, चटनी वगैरह डाल के इसके ऊपर। अब इसको करता हूँ मैं थोड़ी सी टेस्ट, ताकि एक्चुअल में मेरे को पता चल पाए ये क्या क्वालिटी है इसकी। क्या बात है जी, देखने में कितनी जबरदस्त लग रही है। आप देखो कलर भी जबरदस्त, और टेस्ट करके एक्चुअल में पता चलेगा कि किस टाइप की है। लेट मी टेस्ट, देखने में बहुत जबरदस्त लग रही है। वेरी नाइस, क्या बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। यही रीज़न है कि यहाँ पे अभी आपको इस टाइम पे अगर आप आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नज़र आता है। टेस्ट इज रियली गुड। तो नत्थू सिंह जी, जोमेटो और स्विगी पे हो आप या नहीं हो? जी 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 बिल्कुल, जोमेटो पे, जोमेटो पे और स्विगी दोनों पे है ना। एक बार से दोबारा से नाम बता दो अपने कार्ड का। त्रिमूर्ति पाव भाजी। उस तरफ से आप मॉडल टाउन की तरफ से आप आते हो तो AM PM के सामने अपनी बॉम्बे चौपाटी के नाम से है। बॉम्बे चौपाटी के नाम से, बॉम्बे चौपाटी के सामने सामने पाव भाजी भी टेस्ट कर रहा हूँ। चलिए जी टेस्ट करते हैं। वेरी नाइस, नाइस यार, वेरी नाइस यार। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पाव के साथ भी टेस्ट करके देख ही ले एक बार। वेरी नाइस,